और लीजिए बन के तैयार है हमारे मुरमुरे यानी लाई के लड्डू। और देखिए कितने कुरकुरे बने हुए हैं। सब्सक्राइब करें हमारे विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मुरमुरे यानी लाई के लड्डू, और ये लड्डू बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। तो आज हम गुड़ के लड्डू बनाएंगे यानी मुरमुरे के। तो इस तरह की आप लाई लेंगे, ये लाई हमने लिया है करीब ये 250 से 300 ग्राम हमारा है ये। और इसके लिए हम करीब गुड़ लेंगे, और गुड़ हमारा ये 400 ग्राम करीब है। और घी है, घी हमने गाय का लिया हुआ है। तो घी हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लड्डू में थोड़ा शाइनिंग की वजह से शाइनिंग आने के लिए इसमें हम घी का इस्तेमाल करेंगे, और इससे लड्डू का थोड़ा स्वाद भी बढ़िया हो जाएगा। तो लड्डू के लिए जो हम लाई लेंगे तो वो थोड़ी सी कुरकुरी होनी चाहिए, मगर इसको हम थोड़ा सा गर्म करके इसको थोड़ा सेक लेंगे, और इससे ये थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाएगा और कुरकुरे लड्डू बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। तो सबसे पहले हम इसको हल्का सा सेक लेंगे। तो हमने कढ़ाई रख दी है, और इसमें हम ये लाई ये डाल देंगे, और इसको धीमी आँच पे करें 3 से 4 मिनट इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, हल्का सा भूनेंगे। और इसको बराबर चलाते हुए, और ये जलने बिल्कुल ना पाए। और इसमें मकर संक्रांति और तिलवा यानी जो व्रत होता है उसमें भी लड्डू बनते हैं। तो आज हम तिल के लड्डू ना बना के लाई के बना रहे हैं, और हम बनाना वो भी बताएंगे। तो इसको बराबर से चलाते जाएंगे, और ये लड्डू बना के आप इसको डिब्बे में रख सकते हैं, और इसको आप जब जो है तब खाएं। और ये लड्डू बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। और इसको बराबर से चलाते हुए करीब 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे, जिससे लड्डू हमारे बिल्कुल कुरकुरे से बनेंगे। और देखिए इसको हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, और गैस ऑफ कर देंगे हम, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और हमने लाई निकाल लिया है, और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब तक इसी बर्तन में हम थोड़ा सा घी डालेंगे। और इसको पिघलने देंगे, और घी भी पिघल चुका है। अब इसमें गुड़ डाल देंगे, और इसको अच्छे गलने तक इसको बराबर से चलाते जाएंगे। और देखिए गुड़ भी पिघलना शुरू हो गया है, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, और इसको ऐसे ही हम इसको दबा के तोड़ते हुए इसको देखिए धीमे धीमे ये पिघलना शुरू हो गया है, और आज को हम थोड़ा धीमा ही रखेंगे। और देखिए गुड़ पूरी तरह से पिघल चुका है, और इसकी अच्छी सी चाशनी बनना शुरू हो गई है, और इसको हम बराबर से चलाते जाएंगे। और मैंने घी जो डाला है ऑप्शनल घी है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, मगर घी डालने से ही होता है कि इसमें जो चाशनी इसका स्वाद बढ़ जाता है, और एक लड्डू में भी एक शाइनिंग आ जाती है अच्छी सी। तो इसलिए मैंने इसमें करीब 1 से 1.5 चम्मच हमने घी डाला है। इसको पकने देंगे इसी तरह,
और इसको भी हम चेक करेंगे ये लड्डू बनने लायक है कि नहीं। अभी और चाशनी पकते हुए करीब इसकी हमें गुड़ की 10 मिनट हो गए हैं और इसको हम धीमी आंच पे ही पका रहे हैं। अब इसको हम चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए हम इस तरह कटोरी में एक पानी लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा और देखेंगे। देखिए जमने लगी है, यानी ये चाशनी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। और इसका तरीका यही है देखने का कि ये जब इस तरह गुड़ पानी में डालने से इस तरह बनने लगे तो यानी चाशनी हमारी तैयार है। बस अब गैस हम ऑफ कर देंगे और फटाफट हम बनाना शुरू करेंगे। और लीजिए हमने गैस ऑफ कर दिया है और इसमें हम इलायची डाल देंगे और इसको फटाफट चलाना शुरू करेंगे जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। और बहुत ही सावधानी से करेंगे क्योंकि जो चाशनी है बहुत गर्म है, तो इसको हम बराबर से फटाफट मिलाते हुए और देखिए चलाते हुए थोड़ी सी नीचे भी गिर गई है। और इसको हम नीचे उतार लेंगे और देखिए बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब हाथ में हल्का सा इसके लिए पानी लेंगे थोड़ा सा क्योंकि ये काफी गर्म है और हल्का सा पानी लगा लेंगे हाथ में। और बहुत ही सावधानी से करें क्योंकि ये काफी गर्म है अभी। और हल्का सा हाथ में पानी लगा लेंगे, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। और इस तरह से दबाते हुए हम आप चाहे जैसा सेब बनाना चाहें इतना बड़ा तो हम ये साइज बना रहे हैं। और इसको हम फटाफट बनाएंगे नहीं तो ये जल्दी जम जाता है, तो इसलिए इसको फटाफट हाथ से दबाते हुए और बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना, हल्का सा हाथ दबाते हुए इस तरह। और लीजिए बनके तैयार है हमारे मुरमुरे यानी लाई के लड्डू। और देखिए कितने कुरकुरे बने हुए हैं और घी डालने से देखिए तीखी शाइनिंग भी आ गई है इसमें और ये बहुत ही बढ़िया बने हुए। आप इनको बना के डिब्बे में भी रख सकते हैं जो काफी दिन चल सकते हैं। आप बनाए इसको हमारे दिए तरीके से बनाए। और अगली वीडियो में आपको हम तिल के लड्डू और भी हम तरह के लड्डू बनाना बताएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के संग। धन्यवाद।